गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा श्री गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मित्रों, जय माता की। आज के वीडियो में हम आपको अमल एकादशी के विषय में पूरी जानकारी देंगे। यह अमल एकादशी क्यों मनाई जाती है और कब मनाई जाएगी? अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो शुरू करने के पहले मिश्रा ज्योतिष केंद्र को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु ने आमले को प्रथम वृक्ष के रूप में प्रतिष्ठित किया था। इसके हर अंग में भगवान का वास माना जाता है। माना जाता है कि आमल एकादशी के दिन आंवला और श्री हरि विष्णु की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। सनातन धर्म के अनुसार फागुन मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को आमल की एकादशी के नाम से जाना जाता है, जो कि होली से 3-4 दिन पहले पड़ती है। व्रत कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में चित्रसेन नाम के एक राजा हुआ करते थे। उनके राज्य में एकादशी व्रत का प्रचलन था। राजा और प्रजा सब एकादशी व्रत रखते थे। एक दिन राजा चित्रसेन शिकार खेलते खेलते बहुत दूर निकल गया। वहां पर जंगली जातियों ने उन पर हमला कर दिया। उनके अस्त्र शस्त्रों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यह देखकर जंगली जाति भयभीत होने लगी, परंतु धीरे धीरे जंगली जात के लोगों की संख्या बढ़ने लगी। राजा कुछ समय बाद मूर्छित होकर गिर पड़े। राजा के पृथ्वी पर गिरते ही राजा के शरीर से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई और उसने देखते ही देखते समस्त शत्रुओं को मारकर गिरा दिया और थोड़ी देर में अंतर्ध्यान हो गई। जब राजा होश में आए तो उन्होंने क्या देखा? उनके सारे शत्रु मरे पड़े थे। ये देखकर राजा बड़े आश्चर्य हुए और सोचने लगे कि इन हमारे शत्रुओं को किसने मारा है। उसी क्षण एक आकाशवाणी हुई, ये समस्त शत्रु तुम्हारे आमल की एकादशी व्रत के प्रभाव के कारण मारे गए। यह सुनकर राजा बहुत खुश हुए। उनके राज्य में अमल की एकादशी व्रत का प्रचार कराया गया और भी जोर शोर प्रचार प्रचार कर कार्य कराया जाने लगा। तो इस बार जो है अमल की एकादशी 3 मार्च शुक्रवार 2023 को अमल की एकादशी मनाई जाएगी। बोलो विष्णु भगवान की जय। हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने इष्ट मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें। आवश्यक सूचना हस्तरेखा परीक्षण, जन्मपत्री परीक्षण, ग्रह शांति, सत्यनारायण कथा, संतान प्राप्ति, भूत बाधा छुटकारा, तांत्रिक अनुष्ठान एवं विवाह आदि के लिए मेरे मोबाइल नंबर 98072255 23 पर सुबह 10 से शाम 5 बजे तक व्हाट्सएप या कॉल द्वारा संपर्क कर सकते हैं। मिलने का स्थान मिश्रा ज्योतिष केंद्र, नेगी गेस्ट हाउस के सामने, आवास विकास नंबर 1, कल्याणपुर, कानपुर नगर। जय माता की।